ये फिल्म में एक बहुत अच्छी लाइन है जो प्रोमो में भी है कि जैसा भक्त वैसा भगवान, यू नो। सो आई थिंक बच्चों को हम बोलते रहते हैं कि भगवान है, प्रे करो, हाथ जोड़ो, बट एट द सेम टाइम अगर ये कॉन्सेप्ट हो ना कि वो आपके दोस्त हैं, आप उनके साथ शेयर करो, आप उनको बताओ आपको क्या दिक्कत है। आज के दौर में, आज के जनरेशन में ये जो थोड़े इश्यूज हो रहे हैं ना, वे दे आर नॉट एबल टू कन्वे, कम्युनिकेट, स्पीक, से थिंग्स, जिसके वजह से पता नहीं कुछ ड्रास्टिक स्टेप कभी कभी वो लोग उठा लेते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो ना एक कॉन्सेप्ट दोस्ती वाला, कि दोस्त है भगवान, आप बताओ ना, एंड ही विल इन सम वे ही विल गाइड यू, यू नो। सो दैट इज वॉट द होल कॉन्सेप्ट इज, कि अगर दिल से आप प्रे करोगे, अगर आपका फेथ है, बिलीफ है, तो भगवान विल कम इन सम फॉर्म एंड यू नो गाइड यू। सो यस, सो क्यूट से हमारे शिव जी है और क्यूट से हमारे नागू जी भी है। अच्छा, उनके साथ में मैं देख रही हूँ कि यू नो भगवान है डेफिनेटली, लेकिन जैसे हमारे फिल्म में शिवजी ने अपने आप को दिखाया है, वो एक दोस्त बन के दिखाया है कि वो एक, और वो हमें बता नहीं रहा है कि वो बच्चे को नहीं बोल रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो बच्चे को वो प्रश्न पूछ रहा है जो बच्चा खुद अपने आप वो सवाल ढूंढ रहा है। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म, कि ये फिल्म कोई प्रीची फिल्म नहीं है कि ये करना चाहिए और ये करना चाहिए, ये एक एंटरटेनिंग फिल्म है, ये एक बच्चे का एडवेंचर है, और उस एडवेंचर पे वो अपनी जर्नी पे वो शिवजी उसका साथ कैसे देते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फिल्म। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो इच्छा है ज़िंदगी में वो मैं स्क्रीन पर पूरी कर रही हूँ, एंड मुझे वो मौका मिला कि मैं अपने नॉर्मल ज़िंदगी में से जो मेरे बहनें हैं उनके यू नो अनुभव को मैं थोड़ा एक्सपीरियंस कर सकती थी, उसका इंस्पिरेशन लेकर मेरे कैरेक्टर में डाल सकती थी। तो जो बच्चे का और माँ का भी रिलेशनशिप है वो ज़्यादा दोस्त की तरह है, जो मेरा भी रिलेशनशिप मेरी माँ के साथ है वो ज़्यादा दोस्ती का रिलेशनशिप है। तो आई थिंक इट वॉज़ ब्यूटिफुल, मुझे बहुत मज़ा आया, एंड आई मीन आई जस्ट लव्ड इट। ऑफकोर्स मुझे ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मैं श्रेयस की पत्नी प्ले कर रही हूँ, और मुझे वो मौका मिला स्क्रीन पे कि मैं श्रेयस को बहुत ज़्यादा डांट सकूँ तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आया। फिल्म में पहला ही बेचारी का पहला दिन, पहला सीन ही इतना लंबा चौड़ा सीन लिखा था राजीव ने, और वो उसका सीन था जहाँ पे वो डांटे जा रही हैं, ये करो वो करो, ऐसा चलता है वैसा चलता है, मेरा कोई विधान, वो मतलब एक मोमेंट है कि यहाँ से आती है, वहाँ जाती है, वहाँ कपड़े सुखा रही है, फिर डांटती है, फिर कहीं और जाती है, कुछ चीज़ें करती है। तो मैं बोला बाप रे, पहले ही दिन जो बैंड बजी, बट बड़ा मज़ा आया, यू नो, बिकॉज लाइक शी सेज कि मुझे भी लाइनें, मुझे लाइनें यूजुअली सबकी सारी लाइनें मुझे याद हो जाती है, यू नो, पूरे सीन में कौन क्या बोल रहा है वगैरह वगैरह, तो मैं पूरा जब पढ़ता हूँ तो मुझे सबकी लाइनें याद हो जाती है, तो मैं कंटिन्यूस प्रॉम्प्ट करता रहता था। मैंने श्रेयस को टेलीप्रॉम्प्टर बना दिया था क्योंकि आई वाज लाइक एक लाइन भी भूलती थी तो श्रेयस मेरा लाइन बोल देता था, आई एम लाइक अरे ऐसा ही है बिल्कुल, यू नो, ये तो खैर शिवजी सबके दिलों में होते तो, और फिल्म भी वैसी ही है, हमारी शिवजी की फिल्म है तो वो, यस, ये फिल्म में भी हमने धोती पहनी है, कुर्ता है और शर्ट ये है बिल्कुल बड़ा है। और क्या हुआ, वो वहाँ पे क्लिप भी आ गई, मतलब जब बढ़ाने लगा तो एक क्लिप आ गई है, पता नहीं अब उसका क्या करूँगा, बट देखते हैं, जब काटूंगा तो शायद उसे कि तनिषा ने जैसे कहा कि इट्स अ ब्यूटीफुल एडवेंचर, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी कहानी है, मतलब वो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करता है और फिर उसकी जर्नी है, और उसकी जर्नी में क्या क्या होता है और क्यों होता है, और फिर शिव जी कैसे एक दोस्त बन के उसके लाइफ में आते हैं, और फिर उसके आगे की जर्नी को कैसे गाइड करते हैं। So I think it is from his point of view, and it's a kid-friendly film. So जो फिर dialogues भी होंगे या फिर scenes भी है, sequences भी है, अगर action भी है उसका जो बच्चे का हमने promo में देखा, तो वो भी एक comic action जैसा, बच्चे जिसको enjoy करेंगे, you know, वैसा वो action है. So it is a children's film, which is a from his point of view. लेकिन actually it's also पूरी family के लिए film है, क्योंकि I mean काफी स्टोरीज में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सस्पेंस है, ड्रामा है, इस ऐसे प्रिडिक्टेबल स्टोरी नहीं है, एंड दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ द फिल्म। बच्चे की जर्नी है, एनिमेशन है, लेकिन
it's definitely a family film. Like puri family involve ho sakti hai. See, when you say it's a kids film, automatically you know. Family aa jati hai. Bachche ke liye jayenge kahan? Abhi jayenge. अभी जाएंगे, सारे बच्चे जाते हैं पेरेंट्स को छोड़ के जाते हैं थिएटर में बहुत अरसे के बाद या बेसिकली जैसे आपने कहा एक अच्छी चीज़ आ गई तो मैं हम आ गए ऐसे नहीं कि हम प्लान करते हैं कि हमको ब्रेक लेना है ब्रेक ऑटोमेटिकली मिल जाता है या यू नो कोविड भी आ गया था उसके पहले हमारी यू नो फिल्म जो हमने शूट की थी अमेरिका में वो रिलीज़ उसकी रिलीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई तो इट्स इट प्रोसेस होता है हम तो सिर्फ हम एक्टर हैं हम सिर्फ जो आता है वो अगर हमें अच्छा लगे तो हम कर सकते हैं लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते ये पिक्चर बन जाएगी ये पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी वो सब आई मीन वो सब तकदीर होती है मेरा क्राइटेरिया बड़ा सिंपल होता है कहानी कैसी है मेरा किरदार कैसा है और कौन बना रहा है तो तीनों इसमें ना कहानी मैंने सुनी तो मुझे अच्छी लगी इंटरेस्टिंग कहानी है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से है लेकिन उसकी जर्नी जैसे होती है और उसमें जो मेरा किरदार है तो मुझे वो अच्छा लगा दूसरा राजीव वॉज डायरेक्टिंग इट राजीव इज अ गुड फ्रेंड बस राजीव ने पहले माय फ्रेंड गणेशा जैसी फिल्म बनाई है तो वो ना बच्चों की साइकी को थोड़ा जानता है मतलब बिकॉज उसने गणेशा माय फ्रेंड गणेशा 1, 2, 3 शायद 4 भी बनाई है तो ही प्रिटी मच अंडरस्टैंड्स कि क्या अच्छा लगेगा बच्चों को सो अभी भी मैं जब पिक्चर देखता हूँ कुछ एक दो सीन्स मैंने उसको उस दिन बोले कि यार राजीव ये वाले सीन्स ओके लगेंगे तो बोला सर बच्चों को ये बहुत पसंद आया दिस इज़ व्हाट दे लाइक एंड दिस इज़ व्हाट दे विल एंजॉय सो डोंट वरी दे विल इट्स इन द फ्लो सो आई सेड फेयर सो वी आर गोइंग विद हिज कन्विक्शन ऑन द नरेटिव यू नो एंड बिकॉज आप अपने स्टोरी टेलिंग में इतने रहते हो कि मतलब आप अपने एज ग्रुप के हिसाब से सोचते हो बट बच्चों के हिसाब से सोच के वैसा करना आई थिंक दैट्स एन आर्ट एंड विच ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट सो आई लाइक द एंटायर थिंग एंड ऐसे करते हैं जैसे पुष्पा किसी को पता नहीं था राइट कि पुष्पा पुष्पा बनने वाली है बट आई सॉ द फिल्म आई एंजॉयड द फिल्म ऐसे चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है इट वॉज अ गट फील जो मुझे लगा कि करना चाहिए सी मुझे फिल्में पसंद है यू नो आई लाइक फिल्म इन जनरल तो कई बार ऐसा होता है कि यू नो मेरे घर पे मेरी वाइफ है ना हार्डकोर मसाला फिल्मों की तो उसको मतलब ऐसी गोलमाल या अभी जो फिल्में ऐसी रिलीज हुई है तो वो सब में उसको बड़ा पसंद मज़ा आता है और मुझे हर कोई फिल्म देखने में मज़ा आता है तो कई बार यू नो ऐसा होता है कि ये पिक्चर नहीं यार ये नहीं ये तू बाद में TV पे या OTT पे आके देख लिया तू जाके देख लिया अकेला ऐसा होता है सो आई लव फिल्म आई लाइक स्टोरी टेलिंग I'm mesmerized by this whole feeling of cinema. Watching the visual medium. You know, कि यार कुछ कहानी बता रहा है कोई फिर वो चाहे स्लो हो बोरिंग हो तो मैं भले वो कभी कभी रुक रुक के देखता हूँ लेकिन मैं वो कम्प्लीट करता हूँ कि क्या कहानी कहाँ तक जाती है कैसे एक्सप्लेन करता है यू नो डायरेक्टर का क्या विजन है सो मुझे अच्छा लगता है सो आई थिंक पिक्चरें तो बननी चाहिए चाहे वो माइथोलॉजी हो चिल्ड्रंस फिल्म हो एक्शन फिल्म हो इमोशनल हो रियलिस्टिक हो कॉमेडी हो यू नो मुझे मैं माइथोलॉजी नहीं बोलूँगी लेकिन बिकॉज आई डोंट बिलीव इन द वर्ड माइथोलॉजी मुझे लगता है हम कहते हैं इतिहास पता नहीं कि क्या हुआ था बट आई डू बिलीव कि ऐसी फिल्में फैंटसी फिल्म्स बहुत अच्छी लगती है मुझे क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन कहाँ लेके जा सकती है एंड एज अ चाइल्ड यू नो इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग तो आपको पता नहीं कि एक बच्चे का इमेजिनेशन कहाँ उसको लेके जा सकता है तो आई थिंक इट्स फैबुलस मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब फिल्म्स देखने में एंड एनिमेशन विथ लाइव एक्शन जो मिक्स होता है एंड लाइक हमारी फिल्म में जो बेबी नाग है जब भी वो नाग स्क्रीन पे आता है मुझे इतना एक्साइटमेंट होता है मैं बच्चे की तरह बन जाती हूँ मैं इतनी एक्साइट हो जाती हूँ क्योंकि उसके जैसे श्रेयस ने कहा वन लाइनर्स बहुत कूल है यू नो वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है हमारे फिल्म में तो वो मतलब आना चाहिए इसीलिए मैं कह रहा था ना कि कुछ चीज़ें हम बच्चों को सिखाने की उनमें इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं कि भाई सुबह पूजा करनी चाहिए बड़ों के पैर छूने चाहिए यू नो भगवान ऐसे है भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं वगैरह या हम कहते हैं भगवान से डरो बट एट द सेम टाइम कि भगवान आपके दोस्त भी हो सकते हैं तो ये कुछ कल्चरली कुछ चीज़ें हैं ना जो विजुअल मीडियम आपको आप देखते हो तो आपका इम्पैक्ट ज़रा ज़्यादा होता है अच्छे से उसे बनाया जाए तो मजा आता है तो मजा आता है यू नो सो आई थिंक इट इज मतलब आज हम महाभारत हो या रामायण हो जो सीरियल्स उस वक्त बनी थी
हम लोग जहाँ कहीं भी हो वो दौड़ के आते थे और वो लगाते थे और देखते थे, बिकॉज क्या हुआ था, वो क्या कहानी थी, फिर उन्होंने क्या किया, फिर यू नो वो कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, प्रभु राम जी वनवास में गए तो उनका साथ क्या क्या हुआ था, रावण के साथ कैसे लड़े थे. सो वी वर फैसिनेटेड बाय ऑल दिस थिंग्स, राइट. तो जब टीवी पे देखा तो हमें वो कहानी एकदम फिट हो गई दिमाग. सो आई थिंक दैट्स अ मीडियम विच इज़ वेरी इम्पैक्टफुल इफ़ यूज इन द राइट मैनर लाइक यू सेड, देन इट इज़ एंटरटेनिंग एंड इम्पैक्टफुल एट द सेम टाइम. बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये बहुत खुशी है. मुंडे से क्यों मिला रहे? हाँ भाई, इमिटेटिंग मी. ये कितने इंटरव्यूज के बाद है. इविल ना बोल रही है? हाँ बोल रही हूँ. हाँ बोल रही हूँ. दिस इज द इंडियन वे ऑफ सेइंग हाँ. नहीं, बहुत खुशी है, वी आर वेरी एक्साइटेड. एंड ओके फाइन, तू ही बोल ले, तुझे बोलना. नहीं, चार भाषाओं में रिलीज हो रही है, बहुत खुशी है. बहुत सारी एक्साइटमेंट है, क्योंकि आई थिंक ये एक कहानी है जो इज़ बियॉन्ड लैंग्वेज, यू नो. ये इट्स अ स्टोरी इतनी अच्छी है कि सबको देखनी चाहिए. एंड आई थिंक जितने ज़्यादा हमारे कहानियाँ बाहर जा सकते हैं, जितने ज़्यादा सारे लैंग्वेजेस में डब हो सकते हैं, और यू नो पूरे देश में शंकर भक्त हैं, कोई नहीं है जो यू नो किसी भी स्टेट में ऐसे नहीं है कि शंकर भक्त नहीं है, तो द मोर द मैरियर, व्हाई नॉट. नहीं, ऑफ कोर्स, यू नो आज वैसा टाइम चेंज हो गया है, एंड ऐसा रहा नहीं है कि मतलब साउथ के लोग साउथ की फिल्म देखेंगे, नॉर्थ के लोग नॉर्थ की फिल्म देखेंगे, वैसा नहीं रहा. लैंग्वेज इज़ नो लॉन्गर दैट बैरियर. तो जैसे कंटारा यहाँ आती है, रिलीज़ होती है, पहले एक स्क्रीन में होती है, वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, और फिर 400 करोड़ का बिजनेस कर रही है, राइट. सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन सी फिल्म, कौन सी कहानी, कौन सी भाषा में कहाँ कनेक्ट कर जाए आपको बताने. सो आज जब ये आपके पास मौका है कि आप उसको डब करके दूसरे लैंग्वेज में रिलीज़ कीजिए, सो यू नेवर नो, कल को पता चला कि हिंदी चलो बिजनेस अच्छा हुआ लेकिन तेलुगू बिजनेस फाड़ू हुआ है, या तमिल का बिजनेस सॉल्व हो गया. सो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टुडे, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर इट. एंड आई एम वेरी ग्लैड कि प्रोड्यूसर्स, बिकॉज यू नो एवरी मनी स्पेंड फॉर द प्रोड्यूसर इज खर्चा, यू नो. वो बेचारा प्रोड्यूसर रुका रहेगा कि भाई यहाँ थिएटर से आएगा, कहाँ से आएगा, बट इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि अगर आएगा तो अच्छा खासा रिटर्न्स आएगा.